नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा, आप देख रहे हैं RKFM। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जामिया इग्नू और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत 24 यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने हड़ताल कर दी है और यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार जब तक इस पूरे मामले में टीचर्स की पे स्केल पर बढ़ोतरी नहीं करती है तब तक टीचर क्लासेस नहीं लेंगी। तो आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं अपनी संवाददाता विनती के पास और जानते हैं वहाँ के माहौल के बारे में। तो विनती बताइए, वहाँ पे छात्रों का क्या कहना है इस पूरी हड़ताल के बारे में? प्रेरणा, हमने यहाँ पे अलग अलग कॉलेज में जाकर छात्रों से जब पूछा तो उन्होंने यही कहा कि उनके इंटरनल्स आने वाले हैं, उनकी क्लासेस नहीं हो रही है, उनको नोट्स नहीं दिए गए हैं, तो उन्हें अपनी क्लासेस का काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये हड़ताल कितने दिन तक चल सकती है? प्रेरणा, हमने डूटा के अध्यक्ष से जाके भी पूछा था, कई मेंबर से पूछा था, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के HOD है उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया है। तो शायद ये नतीजा यही निकल रहा है कि शायद ये 2-3 दिन और लग सकते हैं इस हड़ताल को खत्म होने। धन्यवाद विनती। तो देखा आपने कि विनती का कहना है, हमारे संवाददाता का कहना है कि शायद एक हफ्ता और लग सकता है इस पूरी हड़ताल को खत्म होने में। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए RKFM। धन्यवाद।